समाज पर क्या सोचेंगे, जो नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं वो भला समाजवाद की बात करेंगे? हमें तो हंसी आती है। तो देख लीजिए आप लोग जो कि किस तरह उन लोगों ने खेला करने का काम किया, लेकिन अंततः जो है लोकतंत्र की जीत हुई और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में सब लोगों ने आस्था रखी है। जो अपना परिवार से बाहर सोच नहीं सकते हैं वो लोग किस तरह से पर्दा, जो हमारे नेता के सीधा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ना हमारी पार्टी के सीधा मुकाबला कर सकते हैं, ना हमारे गठबंधन के सीधा मुकाबला कर सकते हैं, वो लोग कार की भांति किस तरह पर्दा के पीछे से खेल खेलने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है, आज राज्यसभा के लिए संविधान नामांकन किया। इस अवसर पर तो मैं सबसे पहले माननीय संजय झा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ और अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि अनुभवी लोगों को उन्होंने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, इसके लिए ढेर सारी उनको साधुवाद। भारतीय जनता पार्टी के भी दो लोगों ने आज नामांकन दर्ज किया। बिल्कुल, NDA के जो लोग भी भीम सिंह जी और उन लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद मैंने बधाई है। अब उन लोगों को क्या कहिएगा जो खेला करने की बात कर रहे हैं? अच्छा, खेला जो करने की बात आप देख रहे हैं ना, हमें तो हंसी आती है। जो परिवार से बाहर, अपने परिवार से बाहर सोच नहीं सकते वो लोग समाज की बात क्या सोचेंगे, समाज पर क्या सोचेंगे? जो नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं वो भला समाजवाद की बात करेंगे? हमें तो हंसी आती है। तो देख लीजिए आप लोग जो कि किस तरह उन लोगों ने खेला करने का काम किया, लेकिन अंततः जो है लोकतंत्र की जीत हुई और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में सब लोगों ने आस्था व्यक्त की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, इस बात की जानकारी है? सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा संगठन चल रहा है और उनके नेतृत्व में सरकार भी बहुत अच्छा से चल रही है। विधायक पर भी FIR विधायक ने ही किया है, आप प्रदेश अध्यक्ष, जानकारी तो होगी? मैंने कहा कि सब चीज़ का विस्तार से मैं आपके बीच में रखूँगा, मीडिया के साथ रखूँगा, लेकिन जिस तरह उन लोग ने, जिन लोगों ने जो अपना परिवार से बाहर सोच नहीं सकते हैं वो लोग किस तरह से पर्दा, जो हमारे नेता के सीधा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ना हमारी पार्टी के सीधा मुकाबला कर सकते हैं, ना हमारे गठबंधन के सीधा मुकाबला कर सकते हैं, वो लोग कार की भांति किस तरह पर्दा के पीछे से खेल खेलने का काम किया सब लोग जानते हैं, जनता सवाल पूछेगी उनसे। बिल्कुल, तो हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा थे, JDU के, और आपने सुना अवनीश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।